कल देर रात पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रेन की 6 बोगियां पूरी तरह से खाक हो गई हैं। आग की वजह से फास्ट पैसेंजर मेमो ट्रेन के 2 इंजन भी पूरी तरह से खाक हो गए हैं। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। आपको बता दें कि ट्रेन रोजाना मोकामा से पटना के लिए सुबह 5:35 पर खुलती थी और जब ये घटना हुई ट्रेन शंटिंग लाइन पर खड़ी हुई थी, इसीलिए कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो मोकामा की ये घटना हम आपको दिखा रहे थे जहां पे एक ट्रेन में आग लग गई।